बेलिस्टिक मिसाइल, बेलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है, एक ऐसा मिसाइल जो कि अनपावर्ड और अनगाइडेड होता है, यानी कि बाजू का जो हमारे पास जो रॉकेट्स होते हैं, दूसरे रॉकेट, उन्हें हम बकायदा गाइड भी करते हैं कि उन्होंने कौन सी ट्रेजेक्ट्री या कौन सा रास्ता अपनाना है, उन्हें कहाँ से कहाँ तक जाना है, और उनकी पावर के बारे में भी हमें मालूम होता है कि इनकी कितनी पावर होती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे कि आप इन इमेज से देख सकते हैं, मुख्तलिफ टाइप के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये ऐसे मिसाइल्स होते हैं जिन्हें ना तो कोई चीज़ गाइड करती है, जो ना कि गाइड किए जा सकते हैं, और ना ही ये पावर्ड होते हैं, यानी कि अनपावर्ड होते हैं और अनगाइडेड होते हैं। एक दफ़ा जब इन्हें छोड़ दिए जाते हैं तो उसके बाद परवाह नहीं की जाती कि इन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया है और ये कहाँ से कहाँ तक गए हैं। और किसी भी चीज़ को, यानी कि अगर आप कोई बॉल ही है, वो बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करे, तो ये जो ट्रैवल, ये जो रास्ता इसने लिया है, इसे इसकी ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। इसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल जो पाथ कवर करते हैं, जो डिस्टेंस कवर करते हैं अपनी फ्लाइट के दौरान, वो जो पाथ है उसे हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। और जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये टू फोर्सेस के अंडर जो है वो अपनी जो उसे फ्लाइट है या अपनी जो उड़ान है वो कवर करता है। एक तो चीज़ एनर्शिया होती है और दूसरी चीज़ जो है वो एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि मुझे यहाँ पे बता देना चाहिए कि एक चीज़ जो है वो एनर्शिया है, एनर्शिया है, और दूसरी चीज़ जो है वो हमारी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि ग्रेविटी के एक्शन में जो है ये अपना जो ट्रेजेक्ट्री पाथ है वो कवर करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री आती है वो तकरीबन इसी सिचुएशन में आती है कि इस तरह से पाथ कवर करता है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। असल में प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी मोशन होती है जो कि टू डायमेंशन होती है, यानी एज वेल एज हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मूवमेंट उसमें होती है, दोनों जो है वो मोशन उसमें होती है, तो वो एक कर्व का पाथ बन जाता है। और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे, इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो बिल्कुल एक कर्व की पाथ में आती है, एक सेमी कर्व की शक्ल में आती है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो मोशन है वो रिजेंबल करती है प्रोजेक्टाइल मोशन से। और ये जो मोशन हो रही है ये दो चीज़ों की वजह से होती है, एक तो इनर्शिया और दूसरी जो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से वो चीज़ें नीचे आ जाती हैं, और इनर्शिया और ग्रेविटी दोनों ही की बेस पे ये जो है एक कर्व का पाथ बना लेता है। और जो इसमें पहली बात थी वो ये कि ना तो हम इसकी पावर को गाइड कर सकते हैं और ना ही हमें इसकी मोशन के बारे में पता होता है, यानी कि अनपावर्ड और अनगाइडेड कोई भी मिसाइल होगा तो आप उसे कह सकते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं, जैसे कि मैंने ये टर्म इस्तेमाल कर ली है कि प्रोजेक्टाइल, असल में प्रोजेक्टाइल मोशन जो है या प्रोजेक्टाइल जो है, इसका मतलब आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। पहले तो मुझे ये बताना चाहिए था ये चीज़ क्या है, उसके बाद डिफाइन करना चाहिए था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। चले खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। फर्ज कर लीजिए कि आप किसी बिल्डिंग की जो है वो छत के ऊपर खड़े हुए हैं, ये सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ बिल्डिंग की छत पर खड़े हुए हैं और आपके हाथ में एक बॉल है, आप इसे बिल्कुल सामने की डायरेक्शन में फेंक देते हैं, यानी कि बिल्कुल सामने स्ट्रेट फेंक देते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये जो बॉल है ये स्ट्रेट होते होते ऐसा ऐसा एक कर्व सा पाथ इख्तियार कर लेती है, यानी कि इसने जो मोशन की या जो मूवमेंट की वो हॉरिजॉन्टल भी थी और कुछ देर के बाद वर्टिकल भी आ गई। तो ऐसी मोशन जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही डिस्टेंस ट्रैवल किए जाएं, दोनों तरह की मोशन हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो और वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो, तो इस तरह की मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो ऐसी मोशन है जो कि टू डायमेंशनल मोशन की वजह से होती है। इसे आप इस तरह से भी कह सकती हैं कि ये एक ऐसी टू डायमेंशनल मोशन है जो अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, यानी कि ग्रेविटी के अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से किसी भी बॉडी की टू डायमेंशनल मोशन को आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। लेट्स सपोज इसकी मैं आपको मिसालें देकर समझाती हूँ, जैसे कि देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो बास्केटबॉल्स होती हैं, वो बॉल या फुटबॉल या कोई भी बॉल हो, क्रिकेट बॉल ही हो, उसे जो प्लेयर है वो जरा सा हिट करती है और वो हिट करते करते यूँ एक कर्व सा पाथ जो है वो ट्रैवल कर लेती है, यानी अपनी हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ साथ वर्टिकल मोशन को भी ट्रैवल करती चली जाती है और एक इस तरह से पाथ बना लेती है।
इस तरह की मोशन को आप जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसी तरह अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्य जगहों से जो पानी निकलता है वो पानी निकलने की उन्होंने सिचुएशन इस तरीके से बनाई होती है कि जो पानी है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन या अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन के अंडर जो है वो एक प्रोजेक्टाइल सा कवर जो है कर्व बना लेता है, अपनी मोशन इस तरह से कर लेता है कि वो एक कर्व की सेमी सर्कल कर्व की शक्ल में आ जाती है और इस तरीके की जो मोशन होती है उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसी तरह से हमारे जो डेली लाइफ में मुख्य साइकिलिस्ट होते हैं वो भी इस तरह से करतब दिखा रहे होते हैं कि अक्सर वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही की जो है वो एग्जाम्पल शो कर रहे होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को ही शो कर रहे होते हैं। इस तरह से हमारा जो भी जैसे कि हमने पढ़ा है बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में वो भी एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन ही ट्रेवल करता है। इसी तरह अगर आप किसी बॉल के एग्जांपल लें, अगर हम बॉल के एग्जांपल की बात करें तो आप देखते हैं कि अगर आप बॉल को हिट करें या किसी बुलंदी से फेंकें तो बॉल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से कर्व पाथ इख्तियार करते करते एक प्रोजेक्टाइल कर्व बना लेती, एक प्रोजेक्टाइल मोशन शो करती है। किसी भी बुलंदी से जरूरी नहीं आप बॉल को फेंकें, किसी भी चीज को आप फेंक रहे हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो कुछ वक्फे के बाद जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने के बाद वो वर्टिकल मूवमेंट में आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों मूवमेंट होने की वजह से उसमें एक कर्व बन जाता है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाता है। सिमिलरली हो सकता है जैसे कि अब जो क्रिकेटर है वो बॉल को जो है वो जमीन पे पहले वर्टिकल मोशन देता, वो जो है हॉरिजॉन्टल मोशन देता है इस तरीके से, और उसके बाद जब किक मारता है तो वो इस तरह से जो है वो एक ट्रेजेक्टाइल जो है वो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो इस तरह से कर्व पाथ में बन जाती है, उसकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक कर्व पाथ में आ जाती है। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये भी जो है वो मैटर करता है कि आपने कितने एंगल पे अपनी बॉडी को जो है वो हिट किया है, कितनी एंगल पे अपनी बॉडी को जो है वो फायर किया है, उसको फेंका है, वो एंगल भी मैटर करता है। जितना आपका एंगल होगा उसी के लिहाज से आपकी जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। इस एंगल और इसके मुख्य फीचर्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में समझ रहे हैं। इसी तरह जो मुख्य फायर्स होती हैं, फायर को भी अक्सर इस तरीके से फायर किया जाता है, आग वगैरह को या मुख्य लाइटिंग होती है वो इस तरीके से अरेंज की जाती है कि उनकी जो मोशन होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मुख्य चीज़ों को जैसे कि बॉल को, फुटबॉल को, वॉलीबॉल को, साइकिलिस्ट को, मुख्य एग्जाम के जो है जो मुख्य करतब दिखा रहे होते हैं उन्हें भी आप जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल में ले सकते हैं। और जैसे यहाँ पर वाटरफॉल हो रहा है तो वाटर जो है वो इस तरीके से निकल रहा है इस पाइप के अंदर से कि बिल्कुल एक जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर रहा है। तो इस तरह की जो मोशन होती है जो कि दो फोर्सेस के अंदर हो, जिसमें दो फोर्सेस हो वो इस तरीके से दो फोर्सेस हो कि बॉडी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे और एज वेल एज जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, यानी हॉरिजॉन्टल भी हो जाए और वर्टिकल भी, दोनों डिस्प्लेसमेंट जब साथ साथ हो जाते हैं तो बॉडी भी चाहे अगर आप देखें तो मैं इस बॉडी को इस तरफ फेंक रही हूँ और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये बॉडी में नीचे भी जाना है, तो होता क्या है कि इस तरह की बॉडी बजाय इस तरह की सिचुएशन करने के, एक इस तरह का वी सा बनाने के, बॉडी इन दोनों के दरमियान मूवमेंट शो कर लेती है, बॉडी इस तरीके से चली जाती है इस तरीके से। जैसे कि यहाँ मैंने इसे उल्टा बना दिया, अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल जो है मूवमेंट हो और ये हमारी वर्टिकल मूवमेंट। जब दो चीज़ों के अंडर कोई बॉडी मूव करती है दो मोशन के अंडर तो वो हमेशा इस तरह से दरमियान में मूव कर जाती है, यानी कि इस तरह से कर्व बना लेती है। इसकी रीज़न भी हम लोग बाद में देखेंगे कि ये कर्व क्यों बन जाता है, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास कर्व आता है वो इस तरीके से आता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जो कि दो फोर्सेज के अंडर हुई है। एक फोर्स जो थी वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, दूसरी फोर्स जो थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी। तो जो बॉडी है वो कम्प्लीटली किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाती बल्कि इनके दरमियान एक प्यारा सा पाथ बना लेती है और उस पाथ को जो है वो हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल कर्व है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो होप्स आपको काफी हद तक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में समझ आ चुका होगा। अगली वीडियोस में हम इसे मज़ीद डिटेल में समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज़ है।